दोस्तों, मैं शर्त लगाता हूँ कि हमारे जीवन में कभी ना कभी इस ग्रह पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने एक कामना जरूर की है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हम हमेशा चल रहे हैं, समय हमारी सबसे बड़ी वस्तु है, यही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और एक समय पर यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हम अपने पास मौजूद समय का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम वर्किंग मोड में होते हैं तो हम जितना संभव हो सके उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। कोई भी इससे संबंधित हो सकता है, लेकिन बिजनेसमैन या फिर जो पेशेवर लोग होते हैं उनको इसका दंश और भी ज़्यादा महसूस होता है। यह वह जगह होती है जहाँ समय प्रबंधन के बड़े पैमाने पर लाभ है। जब आप अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे होते हैं तो आपके पास आराम से सांस लेने के लिए अधिक जगह होती है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप आधे अधूरे काम करना बंद कर दें, और यह शायद सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट की सलाह है जो मैं आपको दे सकता हूँ। आधा काम आपकी प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसके बारे में सबसे बुरी बात यह है कि आप शायद नहीं जानते होंगे कि यह आपके टाइम मैनेजमेंट में कितनी बार हस्तक्षेप करता है। मैं लगभग हर दिन अपने आप को जाने अनजाने में किसी काम को आधा करता हुआ पाता हूँ, और यह इस प्रकार होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप अनिवार्य रूप से अपने फ़ोन की जांच करना बंद कर देते हैं बिना किसी ज़रूरी कारण के, या हो सकता है कि आप उन लोगों में आते हैं जिनके कंप्यूटर स्क्रीन पर 50 ब्राउज़र के टैब खुले रहते हैं, जो लगातार अपने कार्य को बीच बीच में स्विच कर रहे हैं। दोस्तों, आधा काम कपटी है, क्योंकि यह हमारी एकाग्रता को तोड़ता है कभी कभार और बार बार। जब आप वास्तव में ध्यान केंद्र कर रहे होते हैं तब आप उस प्रवाह में टैप नहीं कर सकते जब आप किसी कार्य को पूरा करने में अधिक समय लेते हैं। अपने दिन की पहले से योजना बनाएं। यह सोचिए कि आप सुबह कंप्यूटर को चालू करते हैं और अपने दिन को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको एक मानसिक सूची मिल गई है कि आपको पहले क्या ख़त्म करना है, लेकिन जब आप अपना ईमेल चेक कर रहे होते हैं तो आप किसी चीज़ को देख के विचलित हो जाते हैं। फिर आपकी टीम का एक सदस्य आपको कॉल करता है और आपको किसी और काम से विचलित कर देता है जिसकी आपने कभी पहले योजना बनाई ही नहीं थी। और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते हैं दोपहर के 2 बज चुके होते हैं और आपको पता नहीं लगता कि आपका पूरा दिन गया तो गया कहाँ। आप भी इस चीज़ से परिचित होंगे। आगे की योजना बनाना उन सबसे सरल लेकिन सबसे बड़े टाइम मैनेजमेंट टिप्स में से एक है जो आपको उन चीज़ों पर पूरे दिन खर्च करने से रोकने में मदद करती है जिनकी आपने कभी योजना बनाई ही नहीं थी। जरूरत पड़ने पर नहीं कहें। आपने ये शायद सलाह पहले भी कई बार सुनी होगी, लेकिन यह सलाह फिर से सुनने लायक है और अगर आगे ज़रूरत पड़े तो दोबारा सुनने लायक है। लोगों को खुश करने के साथ संघर्ष करना आम बात है। आखिरकार हम अपने साथियों, सहकर्मियों और प्रियजनों को खुश तो करना चाहते हैं। जब कोई आपसे कुछ मांगता है तो हाँ कहना आसान होता है, क्योंकि आप वास्तव में मदद करना चाहते हैं। इतनी बार हाँ कहना भी आम बात है कि आप खुद को उसमें पूरी तरह जला ही देते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है, जब हम अतिरिक्त कार्यों में मदद करने के लिए सहमत होते हैं तो हम अक्सर किसी अपने निजी समय का त्याग कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी खुद की जो देखभाल है उस पर कम समय बिता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लंबे समय में यह बुरी खबर है। नहीं कहने का अभ्यास करें। जब आप गहराई से जानते हैं कि आपको अपने लिए समय की आवश्यकता है, मुझे पता है ऐसा करना कठिन हो सकता है क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले को शायद हम निराश कर रहे हैं, लेकिन यह आपके लिए और आपके समय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि पानी पीना और खाना ना भूलें। दोस्तों, यह एक टॉप टाइम मैनेजमेंट टिप्स में से एक नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन आप मुझ पर विश्वास करें कि मैं एक उस तरह का व्यक्ति हूँ कोई जो इतना ज़्यादा केंद्रित हो जाता है अपने काम में कि अपने शरीर को पोषण देना भूल जाता। मैं अक्सर खाना भूल जाता हूँ, अपने पानी की बोतल को भरना भूल जाता हूँ, और काम करते हुए मैं इसे महसूस कर सकता हूँ काफ़ी लंबे समय तक। जब दोस्तों हम भूखे होते हैं या हमारी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेटेड होती है तो फोकस होना बहुत आसान हो जाता है। हम थक जाते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं और अपनी टू डू लिस्ट जिसमें हम काम कर रहे होते हैं उसे काम करने के बजाय हम घसीटना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है दोस्तों, बहुत सारे शोध हैं जो पुष्टि करते हैं कि जब हम अच्छी तरह से खाते हैं पीते हैं तो हमारे प्रदर्शन की क्षमता में सुधार होता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक अध्ययन से पता चलता है कि पीने के पानी ने ध्यान और याददाश्त को बढ़ाया। यदि आप टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग का और शरीर का शीर्ष आकार में होना चाहिए, इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि आप इसको समग्र रूप से देख रहे हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं तो यह लंबे समय में आपके साथ हो जाएगा। दोस्तों, तो ये थे कुछ टॉप टाइम मैनेजमेंट के टिप्स, लेकिन हालांकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं वीडियो कभी बाद में बनाऊंगा डिटेल के अंदर। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई फर्दर वीडियो अपडेट को मिस ना कर सकें।